तो भारतीय जनता पार्टी सिंगरौली कार्यालय के मीडिया प्रभारी नीरज सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो पत्रकारों को पैसे देने की बात कर रहे हैं और किस पत्रकार को इस लोकसभा चुनाव में कितना पैसा दिया जाएगा। बाकायदा वो एक लिस्ट लिए हुए हैं, उन्हें ये लिस्ट कहाँ से मिला ये मुझे नहीं पता, लेकिन उस लिस्ट का जिक्र करके पत्रकारों को यूं ही ऐसे ही बता रहे कि वो किसी को बोल रहे ये तो ऐसे ही है, इसकी क्या है, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक ललकार भी रहे कि कुछ भी लिख दो कुछ भी कह दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जब बड़े वाले लिखते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब इस तरीके से बातचीत हो रही है। कुछ लोग जरूर हमारे पास यहाँ पर एक कार्यालय में मौजूद हैं, खासतौर पर जिनका जिनका नाम लिए हैं वे लोग हैं, कुछ लोग मैं उनसे बात करूंगा वो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि किस तरीके से मजाक भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी ने बनाया था और इस मजाक का किस तरीके से जवाब दिया जाएगा मैं ये बात करूंगा। माड़ा से मनोज आए हुए हैं और मनु है, नीरज है, विजय है, शशि भाई है, अवनीश है, ऐसे तमाम लोग हैं जिनका कई लोगों का इसमें नाम है और मुझे भी बता दिया गया था कि मेरा नाम सबसे हाई लिस्ट में था, किसी ने वायरल किया था व्हाट्सएप किया था कि मेरा 10,000 रुपये वाले में था, तो मैं बड़ा सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि कम से कम इतने बड़े बड़े पत्रकारों में 2-3 हज़ार रुपये में ही सबको निपटा दे रहे हैं नीरज सिंह, तो कम से कम 10,000 रुपये हमारी कीमत रखी गई है, हालांकि गुरु वो पैसे मिली नहीं अभी तक, फिर भी मैं चर्चा करूंगा मनोज भाई से क्योंकि ये दूर से आए हैं। मनोज को तो बोल दिया गया था कि मनोज को हम 1 रुपया नहीं देंगे, नीरज ने कहा था कि मनोज को 1 रुपया नहीं देंगे और मनोज हमारे साथ, मनोज आपको 1 रुपया नहीं देगा वो। बिल्कुल अच्छी बात आप बता रहे हैं कुल जी, जिस तरह से कल एक वीडियो वायरल किया गया है पत्रकारों को लेके, कहीं ना कहीं बड़ा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इस तरह का नाम बदनाम करना ये कहीं ना कहीं बड़ा चिंता का विषय है, और जो उन्होंने कहा है कि मनोज कुमार को 1 रुपया नहीं, तो बड़ी अच्छी बात है, वो हमें खरीद भी नहीं पाएंगे, उनकी औकात ही नहीं मुझे खरीदने के लिए, अगर खरीदना होता तो मेरी भी बोली लगाई जाती, लेकिन उन्होंने मेरा बोली नहीं लगा पाया इसलिए बोला कि उनको 1 रुपया नहीं देंगे, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सबसे चिंता का विषय है कोई पत्रकार बाजार का धनिया जीरा नहीं उसको खरीद लेंगे कि बिक रहा बाजार में उसको खरीद लेंगे, ये बड़ा चिंता का विषय, इसमें हम लोग सब संज्ञान लेते हुए कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और जिस तरह से उजागर करके बदनाम किया गया है तो कलेक्टर साहब से निर्वाचन जो हमारे करने के लोग मांग करेंगे। और जहां तक रही बात खरीदने की, तो मैं बता दूं कि पत्रकारों को खरीदने की उनकी औकात नहीं है, उनकी नहीं किसी भी पार्टी की औकात नहीं है, साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं, जो दिखेगा वो लिखेंगे, बल्कि वो इनके जो एक प्रत्याशी भाजपा के हैं, जो हमारे राजेश मिश्रा जी यहाँ भाजपा सीधी सिंगरौली संसदीय क्षेत्र से जो प्रत्याशी हैं उनके बेटे से खुद हमारे एक मित्र की बात हुई थी, जो उन्होंने कहा था, उल्लेख किया उस ऑडियो में कि साग महुआ बेच के हम 15 लाख रुपए भेजे हैं भाजपा कार्यालय में और आप लोगों की व्यवस्था वहां बना दी गई है। अच्छा। हालांकि मुझे ये जानकारी मिली, मेरे पास ऑडियो भी आ चुका है, इस सिस्टम में जिक्र भी कर रहा हूं और ये ऑडियो बहुत जल्द वायरल भी किया जाएगा, ये साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं कि वो जिस तरह से 15 लाख का, 15 लाख गए कहां, किसके पास, किसने हजम किया, ये जानकारी हमें भाजपा कार्यालय के जो जिम्मेदार है वो बताएंगे, जिलाध्यक्ष बताया किसको भेजा गया था 15 लाख, उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यालय में 15 लाख रुपए मैंने भेज दिया आप लोगों की व्यवस्था के लिए, तो उसी 15 लाख में एक उसी 15 लाख बोली लग रही थी, 1,000 रुपए 2,000 3,000 ये बोली लग रही। अच्छा, मतलब मामला ये है कि 15 लाख रुपए सीधी प्रत्याशी के द्वारा भेजा गया है, साग महुआ बेच के भेजा गया, साग महुआ बेच कर, उसमें बोली लगाई जाती है जिसमें हमारा नाम लिखा गया कि मनोज कुमार को 1 रुपए नहीं, क्योंकि मनोज कुमार को खरीदने का औकात ही नहीं है, पहले मैं बता दिया था कि हमने जो दिखा लिखा, अब बाकी विजय वर्मा हमारे भाई साहब है जो इनको बताया गया कि प्रेस वार्ता के शोभा बढ़ाते हैं, इनको मिठाई उठाई खिला दिया जाएगा बड़ा, तो हमारे साथ विजय हैं, विजय को भी बोला गया था कि विजय के साथ साथ 3-4 और लोगों को बोला गया था कि हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पैसा दे देते हैं, इनको भी आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ, इनको भी मिठाई खाने के लिए देंगे, तो विजय मिठाई खाने के लिए आमंत्रण मिला हुआ है भाजपा। बिल्कुल, ये भाजपा की बहुत ही घृणित सोच है और पत्रकारों को बदनाम कर रहे हैं, पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है और रहेगा, सच्चाई लिखती कलम के माध्यम से सच्चाई लिखते रहेंगे,
हालांकि बीते दिनों जो भाजपा के खिलाफ या भी सही सही खबर लिख रहे थे उनको खरीदने की बात हो रही है। इसमें कई कई सीनियर पत्रकार भी है, उनकी भी कीमत लगाई जा रही है, ऐसा वीडियो हमें भी मिला है सोशल मीडिया पर। कहीं ना कहीं ये एक निंदा इसकी करनी चाहिए और हम सबको मिलकर जिला कलेक्टर से, निर्वाचन अधिकारी से इसकी शिकायत करनी चाहिए। और बताइए क्या बोल। मनु को भी 2000 मिल जाता है, मनु को 2000 देते हैं नीरज, क्यों क्यों 2000 देते हैं? अब ये चीज तो हमें नहीं मालूम, क्योंकि जब हमने विज्ञापन का बात किया था उस समय जिला अध्यक्ष से, तो जिला अध्यक्ष ने कहा कि हम तो जनता के सेवक हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं है। अरे ये चुनाव की बात हो रही है, चुनाव के लिए 15 लाख रुपया है उसमें से पैसे, उसी की बात कर रहा हूँ कि भाई जब विज्ञापन को वो नहीं दे सकते तो इसमें इतनी बड़ी बात करते हैं और इतना। अच्छा मतलब जो आप काम किए हो उसका नहीं मिला, उसका पैसे नहीं मिले? नहीं मिला, आज तक विज्ञापन रखा हुआ है उसका विज्ञापन का 1 रुपए पैसा नहीं दे पाए। तो वो इस तरह से लिस्ट बना के अगर जारी कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पत्रकारों की गोली लगाई जा रही है, वो पत्रकारों की तरफ से अगर बदनाम किया जाए तो ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आप सम्मानजनक दे नहीं सकते, सम्मान कर नहीं सकते, तो फिर उस चीज़ को गुणगान गाने का कोई आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पत्रकार दिखते नहीं है। पत्रकार अगर खबरों को दिखाना जानते हैं, सच्चाई दिखाना जानते हैं, तो अगर अपने ऊपर अगर बात आ रही है तो उस चीज को भी प्रकाशन करना जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बात उन्होंने ये कही थी, शशि भाई कुछ बोलेंगे? तो शशि भाई बताएं। सबसे पहले तो ये जो वीडियो निकल के सामने आया है, ये पूरी तरह से जो एक लोकतंत्र का हिस्सा है, चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकार जगत, तो भाजपा के द्वारा इस मीडिया जगत का ही चीरहरण कर दिया गया है, पत्रकारों का साथ में पत्रकारिता का भी। तो ये सबसे घृणित कार्य है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। इसके साथ ही भाजपा एक संस्कारवान पार्टी है, लेकिन जिस तरीके से वो चेहरा निकल कर सामने आया, उस वीडियो के माध्यम से जो बातें कही गई हैं, वो स्पष्ट कर रही है कि आखिरकार भाजपा के जो नेता है वो पत्रकारों को लेकर क्या सोचते हैं। और उन्हें लगता है कि चुनाव में जिस तरीके से वो मीडिया मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं और पत्रकारों की कीमत तय कर रहे हैं, तो ऐसे में तो जिला प्रशासन एवं चुनाव आयोग को तो तत्काल हरकत में आना चाहिए था। लेकिन इस पूरे मामले पर भाजपा संगठन भी चुप्पी साध के बैठा हुआ है, वही दूसरी तरफ शासन प्रशासन भी चुप्पी साध के बैठा हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पूरे मामले पर किस तरह से जो है पर्दा डालने का काम किया जा रहा है। ये शिकायत जो है कि हम लोग सीधा भी करेंगे, नहीं। क्या बोल रहे हैं? ये सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो जो वायरल हुआ है, इसमें हम आपको बता दें कि जो आज बहरी में जेपी नड्डा जी आए थे, उसको लेकर मैनेजमेंट करने की कोशिश हुई थी कि पत्रकार उनके बारे में और पार्टी के बारे में और जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में बहुत अच्छा अच्छा लिखे, प्रचार हो, इसलिए उनको मैनेजमेंट करने की बात की जाती है। हालांकि किस पत्रकार के द्वारा पैसा मांगा गया है, ये भी भाजपा को वीडियो जारी करना चाहिए कि भाई कौन आदमी गया था, कौन पैसा मांगा आपसे। भाई आप पत्रकारों का जब चीरहरण कर रहे हैं, सार्वजनिक नाम ले रहे हो, हाँ, तो आपको भी भाई पत्रकार कौन गया, हाँ? आप पत्रकारों को दारूखोर बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये गंभीर विषय है, गंभीर विषय है बिल्कुल। इसमें कहीं कहीं जिला कलेक्टर, पार्टी के पदाधिकारियों को कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। और आज हमने बात की है कमलेश्वर पटेल जो पूर्व मंत्री हैं और लोकसभा प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी कहा कि हम इसकी जल्दी शिकायत करेंगे। तो अगर एक चीज बता देना चाहता हूँ कि इस विषय पर अगर जिला प्रशासन कदम नहीं उठाता है, एक चीज बता दो कि जिला प्रशासन के खिलाफ हम लोग लिखने के लिए बिल्कुल बाध्य रहे, इसमें कोई दो राव की बात नहीं, बता देना चाहता हूँ। अगर इस विषय पर जिला प्रशासन संज्ञान नहीं लेता है तो हम लोग जिला प्रशासन के भी खिलाफ लिखने के लिए बाध्य रहेंगे। जिला प्रशासन या निर्वाचन आयोग का ये नैतिक जिम्मेवारी है कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, चूंकि आचार संहिता लगी हुई है और ये लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत मैनेजमेंट करने की बात की जा रही थी। बता रहे कि खबरों को चलाने के लिए जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे थे, उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ये पूरा खेल रचा जा रहा था, लेकिन नीरज सिंह मीडिया प्रभारी का ये अब जो प्रयास था वो पूरी तरीके से चौपट हो गया, बहुत बड़ा भंडाफोड़ हो गया। चौथा स्तंभ का हत्या की गई है, सीधे तौर पे बात करो कि किस तरह से गोली लगाई जा रही है, क्या जीरा मसाला है, क्या किराने दुकान के धनिया है, क्या पाउडर है, क्या हम लोग बिक जा रहे हैं 1000 रुपए 500 रुपए में गोली लग रही है, ये शर्मिंदगी। इस पे विपक्ष को भी एक्शन लेना चाहिए। विपक्ष कहां से आया, विपक्ष में पूछा जाता है, विपक्ष कहां से आया हुआ है? बता रहे हैं कमलेश्वर पटेल से बात, कमलेश्वर पटेल ने सिर्फ मीडिया से बात किया है, प्रशासनिक अधिकारियों से बात किए क्या, इस विषय में क्यों नहीं बात की? वही प्रत्याशी यहाँ के ना कमलेश्वर पटेल, क्या वो चौथा स्तंभ उनका कवरेज नहीं करता है क्या?
उनका ये दिखाता है, तो फिर क्यों नहीं करते हो? वो निर्वाचन आयोग से बात करें। चलिए, तो ये आप लोगों की, हम लोगों की कमजोरी थोड़ी सी नजर आ रही है, लेकिन इसमें एग्जुट होकर के जिला निर्वाचन अधिकारी जो कलेक्टर होते हैं उनको जानकारी दीजिए, और चुनाव आयोग ने भी इस तरीके से भ्रष्टाचार से संबंधित अगर कोई शिकायत होगा तो उन्होंने भी एक ऐप जारी किया है, हाँ ऐसी कार्रवाई होगी, उस पर आप भेजे, निश्चित रूप से कार्रवाई होती है कि नहीं होती। बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो भी काम होते हैं वे सारे धूल जाते हैं, साफ सुथरे हो जाते हैं, लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है कि जिस तरीके से कल का ये वाक्या है, कल का जो ये वीडियो है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही लोगों को अपमान करने वाली है, पत्रकारों को, और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया प्रभारी वो सीधे खुलेआम कह रहे हैं कि कितना भी बड़ा कोई लिखने वाला हो, कुछ छापने वाला हो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि चाहे क्षेत्र में चोरी हो, डकैती हो, बलात्कार हो, हत्या हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसा उन्होंने संकेत दिया है, लिखते रहो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फर्क तो पड़ता है हुजूर, पड़ेगा फर्क, पड़ेगा। इस तरह से आवाज इस तरीके से जलील करना मुझे लगता है कि काफी अपमानजनक है, और आपको अपने 1000 रुपए बोली लगा दिया, 1000 इनका कीमत है, उनका तो 1000 है, आपको तो 1 रुपया नहीं देंगे बोले, तो हमको खरीद ही नहीं पाएगा, इसीलिए तो बोला कि मनोज कुमार को 1 रुपया नहीं। चलो ठीक है, तो ये सारे लोग हैं जिनका नाम लेकर के बोला गया है, चलिए देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता क्या कार्रवाई करते हैं या नहीं। ये सब इस पार्टी के अध्यक्ष के और माफी मांगना चाहिए मीडिया से, और अपने इस जो मीडिया प्रभारी है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।